अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पिक्चु ऐप के ट्यूटोरियल का पार्ट 2 है और आज की वीडियो में हम इसके नेक्स्ट फीचर को यूज़ करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने क्रॉप, फिट, फिल्टर और बैकग्राउंड के ऑप्शन को यूज़ करना सीख लिया था। तो आज की वीडियो में हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन को यूज़ करना सीखेंगे। तो आज की वीडियो का जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है स्पाइरल का। सिंपल, हम इस पर क्लिक करेंगे और इसके थ्रू अपनी फोटो पर स्पाइरल को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्पाइरल मिल जाएंगे और जिस स्पाइरल पर आपको प्रिंस का आइकन शो हो रहा है, इसका मतलब है आप इस स्पाइरल को तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास इसका प्रीमियम वर्जन होगा। तो यहाँ पर हम इन स्पाइरल इफेक्ट को अपनी फोटो पर ऐड करके अपनी फोटो को एक अच्छा लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम स्पाइरल है वो विदाउट प्रीमियम है, तो आप इनको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो जिस भी इफेक्ट को आप यूज़ करना चाहते हैं, सिंपल आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो के मुताबिक उसे आप 2 फिंगर के जरिए एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको विंग्स भी मिलेंगे लव, और यहाँ पर काफ़ी सारी आपको कैटेगरी मिलेंगी। यहाँ पर आप अपने बैकग्राउंड में इन विंग्स को भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से इसको अपने बैकग्राउंड के मुताबिक यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे विंग मिल रहे हैं जिनको आप अपनी फ़ोटो में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर लव वाला ऑप्शन है। यहाँ पर आप इस तरह के स्टिकर्स को भी अपनी फ़ोटो के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी स्टिकर अच्छा लगता है, सिंपल आप उस पर क्लिक करेंगे, वो सिंपली आपकी फ़ोटो पर अप्लाई हो जाएगा। तो जिस भी स्टिकर को आप यूज़ करना चाहते हैं, सिंपल आप उस पर क्लिक कर उसे अपनी फ़ोटो में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इफेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप अपनी फ़ोटो में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह के इफेक्ट भी मिल जाएंगे जिनको आप अपनी फ़ोटो पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी अगर कोई डार्क फोटो हो तो उस पर ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप जो भी इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपल अपनी फ़ोटो पर वो इफेक्ट यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह के इफेक्ट मिले हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको नियॉन के भी इफेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप अपनी फ़ोटो में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रेनबो इफेक्ट्स मिल जाएंगे। तो जिस भी तरीके के इफेक्ट को आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपल आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी फ़ोटो पर उस तरीके के इफेक्ट को सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है फिल्टर्स का, सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी इफेक्ट ऐड किया होगा, जो विंग्स, जो भी स्पाइरल इफेक्ट ऐड किए होंगे, यहाँ पर आपको वही ऑप्शन मिलेगा। इसके लिए आप इसकी कलरिंग को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आप इसकी सैचुरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। अपनी फ़ोटो की सैचुरेशन को, यहाँ पर इफेक्ट की सैचुरेशन को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर आप इसकी सैचुरेशन को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी इफेक्ट अच्छा लगता है, जो भी आपको यहाँ पर स्पाइरल अच्छे लगते हैं, यहाँ पर आप सिंपल वो अपनी फ़ोटो पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद सिंपल आपको टॉप पर अप्लाई का ऑप्शन मिल रहा है। सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना, तो ये आपकी फ़ोटो पर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ड्रिप का। सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है ये आपकी फ़ोटो पर ड्रिप इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ड्रिप इफेक्ट कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे जिनमें आप अपनी फ़ोटो पर ड्रिप इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी जिस भी तरीके के ड्रिप इफेक्ट को यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं अपनी फ़ोटो पर, सिंपल आप उस तरीके के ड्रिप इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर को काफ़ी सारे ड्रिप इफेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ोटो के लिए। यहाँ पर आप कोई भी ड्रिप इफेक्ट को बिल्कुल ईजीली अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी यहाँ पर कोई प्रीमियम नहीं है, बिल्कुल सारे फ्री हैं, आप इनको फ़ोटो में यूज़ कर सकते हैं। तो जिस भी ड्रिप इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपल आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो इफेक्ट आपकी फ़ोटो पर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सिंपल आपने बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे जिनको आप अपनी फ़ोटो में यूज़ कर सकते हैं। तो जिस भी ड्रिप इफेक्ट को यहाँ पर हम यूज़ करना चाहते हैं, तो जिस भी बैकग्राउंड को यहाँ पर हम यूज़ करना चाहते हैं, सिंपल हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो बैकग्राउंड हमारी फ़ोटो के बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगा। तो जिसको भी बैकग्राउंड को ऐड करना चाहते हैं, सिंपल हम उस पर क्लिक करेंगे, वो ऐड हो जाएगा आपके बैकग्राउंड में। तो जो भी बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं, वो ऐड करने के बाद सिंपल हम अप्लाई पर क्लिक कर देंगे और ये भी यहाँ पर इस बैकग्राउंड के साथ ये पिक्चर सेव हो जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास स्टिकर्स का ऑप्शन है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे स्टिकर मिल जाएंगे जिनको आप अपनी फ़ोटो पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस भी स्टिकर को अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपल उस पर क्लिक करें और अपनी फ़ोटो पर ऐड कर दें। यहाँ पर आपको स्टोर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप इन स्टिकर्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टिकर्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे, यहाँ से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फ्री टू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ से डाउनलोड होंगे। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। सिंपल यूज़ पर क्लिक करें, ये कैटेगरी आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद जिस भी इफेक्ट को यहाँ पर आप यूज़ करने जाते हैं, जिस भी स्टिकर्स को यहाँ पर आप यूज़ करने जाते हैं, वो स्टिकर्स पर हम सिंपल क्लिक करेंगे, यहाँ पर से वो स्टिकर्स आपकी फ़ोटो पर ऐड हो जाएंगे। यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन है। इस पर क्लिक कर आप अपनी फ़ोटो पर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, सिंपल यहाँ पर
टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पर आपको इसके काफी सारे स्टाइल मिल जाएंगे जिनमें हम अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जिस भी स्टाइल में अपने टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं यहाँ पर आपको काफी सारे स्टाइल मिल जाएंगे जिनमें आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके जरिए आप अपने फॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफी सारे फॉन्ट मिल जाएंगे जिनको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कलर का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको कोई टेक्स्चर देना चाहते हैं यहाँ से आप इसको टेक्स्चर भी दे सकते हैं। अब आपको टेक्स्चर मिल जाएंगे। यहाँ पर पैटर्न होंगे, जिन भी पैटर्न में यूज करना चाहे वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कलर का ऑप्शन, अगर आप इसको कोई सॉलिड कलर देना चाहते हैं यहाँ से आप इसको कलर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन है, इसके जरिए आप इसको कोई भी स्ट्रोक दे सकते हैं। अगर आप इसको कोई बैकग्राउंड का कलर बैकग्राउंड देना चाहते हैं आप कलर बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। यहाँ अगर आप पैटर्न बैकग्राउंड इसको देना चाहते हैं यहाँ से आप पैटर्न बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर शेडो का ऑप्शन है, अगर आप इसको शेडो देना चाहते हैं यहाँ पर आप इसकी शेडो दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आप इसकी वर्टिकल अप डाउन भी इसकी शेडो को कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप इस कलर की शेडो लेना चाहते हैं आप कलर की भी शेडो दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप इसके अलाइनमेंट को लेफ्ट राइट मिडिल सेंटर में कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आप किसी करेक्टर को स्पेस भी दे सकते हैं और यहाँ पर चाहें तो आप इसकी लाइन भी स्पेसिंग भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ईजी ऑप्शन है, आप सिंपल और ज़्यादा एक्सप्लोर करके और ज़्यादा ईजीली यहाँ पर आप समझ सकते हैं और बिल्कुल ईजी ऑप्शन है, बिल्कुल ईजिली इसको समझ जाएंगे। तो आई थिंक वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आज की वीडियो में जो हमने सीखा है वो हम एक बार को बता देता हूँ कि आज की वीडियो में हमने स्पायरल इफेक्ट को ऐड करना सीखा है, ड्रिप इफेक्ट, स्टिकर्स को किस तरह ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को किस तरह अपनी फोटो में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी ऑप्शन को यूज़ करना सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और यहाँ पर जो भी मैंने इफेक्ट अप्लाई किए हैं अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।